गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबको हाय हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हरिद्वार। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास, और ये आप देख रहे हैं पीछे जो घाट है, बहुत ही बढ़िया नहाने के लिए बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ है। हमारा प्लान कुछ था, रात को हम निकल चुके थे, हम घर ही जा रहे थे, बट प्लान कुछ चेंज हो गया कि आज छुट्टी है तो घर जाके क्या करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा एक दो मंदिर जैसे चंडी देवी माता मंदिर का हमारा दर्शन रह गया था, तो हमने सोचा अब चलिए अब कल और रुक के यहाँ पे स्टे करके हम दर्शन करके फिर हम आगे जाएंगे, मतलब घर के लिए निकलेंगे। तो हम रात को हरिद्वार हमने क्रॉस कर दिया था, मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो में देखा होगा, इससे लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी आपने उसमें देखा होगा। और हम हरिद्वार क्रॉस कर चुके थे, बट उसके बाद फिर प्लान हुआ चेंज, फिर हमने वहाँ से लिया यू टर्न और फिर हम वापस आ गए हरिद्वार। और ये आप देख रहे हैं पीछे जो ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहीं पे धर्मशाला है, और यहाँ पे हमने एक धर्मशाला में स्टे किया था, वहीं पे हमने रूम लिया था। और यहीं पे जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे घाट बना हुआ है, बहुत अच्छा घाट बना हुआ है, यहीं पे हमने स्नान किया था अभी सुबह, नहा धो के उसके बाद अब हम रेडी हो चुके हैं। टाइम हो चुका है 12:30 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब नाश्ता पानी करके सीधा चंडी माता देवी के मंदिर वहाँ पर जाएँगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, अदरवाइज़ नहीं तो अपना सीधा घर की ओर रवाना होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छी ट्रिप रही, हमने पूरा सैटरडे संडे एंड देन मंडे हमने पूरे 3 दिन यहाँ पे स्टे किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, हर की पौड़ी थोड़ा यहाँ से आगे है, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, हम जहाँ पर हमने यहाँ पर धर्मशाला ली हुई है तो हमने यहीं पर आज नहाना धोना किया था। जब हम फर्स्ट डे आए थे तब हमने हर की पौड़ी पर नहाए धोए थे, बट आज हमने यहीं पर नहा धो लिए। अब उसके बाद सीधा आप चंडी देवी मंदिर जाएंगे, वहीं पर दर्शन करेंगे और उसके बाद वहीं से अपना सीधा निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और ये जो घाट है, मैं आपको घाट दिखा देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम लोग नहाए थे, और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये घाट है, ये रेलिंग लगी हुई है जो, तो इसके इधर ही इधर नहाते धोते हैं अच्छे से, और इधर नीचे फर्श बना हुआ है, बहुत बढ़िया है नहाने का हिसाब। और बस अब हो गया है, अब चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आप चीज़ों को देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आप लोग उसे देख पाएँ, आप लोग उसे इंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अब आगे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पानी करके उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स गो।
फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम जो जा रहे हैं अभी चंडी देवी मंदिर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये रास्ता कुछ इस तरीके से है आप देख रहे हैं। और बस यहाँ से अभी हम अंदर हरिद्वार से थोड़ा सा आगे आए, फिर एक चौराया पड़ता है, वहाँ से हम लेफ्ट हुए। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने रोड का सीन लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ मुश्किल से बस थोड़ा सा और है। ये देखिए ऑटो खड़े हुए हैं सब यहाँ पर, यहीं पर हम अपनी कार पार्क करेंगे। कार पार्क करने के बाद फिर यहाँ से हमें सीधा ट्रॉली मिलेगी, जैसे मनसा देवी पे ट्रॉली मिली थी, तो फिर हम उसमें ट्रॉली में बैठ के और सीधा हम ऊपर मंदिर पे फिर दर्शन करेंगे, फिर हम सीधा नीचे आ जाएंगे। तो अब बस गाड़ी पार्क करनी है, ये आप देख सकते हैं सामने, ये मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत बोल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वो है, ये देखिए ये यहाँ पर माँ चंडी देवी गंडोला उड़न खटोला का बोर्ड लगा हुआ है और आप यहीं पे कार पार्क करेंगे और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चंडी देवी मंदिर पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग नीचे हैं, वो आप सामने देख रहे हैं ऊपर, वहाँ ऊपर हमें जाना है। यहीं पे सामने बस गंडोला है जहाँ से अब टिकट लेनी है, पर बंदे की 193 रुपये की टिकट है और अब हम उसमें जिसमें कि 193 में आना जाना दोनों है। तो अब हम जाएंगे वहाँ से टिकट लेंगे और सीधा अब हम ऊपर जाएंगे, फिर दर्शन करेंगे और वहाँ से थोड़ा सा आगे आके लगभग 50 मीटर आगे आके यहीं पे ये पार्किंग है, ये आप देख रहे हैं, ये इधर कार पार्किंग बनी हुई है, अंदर कार वार अलाउड नहीं है, तो उससे आगे यहाँ पे आके इधर कार पार्किंग बनी हुई है। तो अब हम बस अब अंदर जा रहे हैं और उसके बाद गंडोला की टिकट लेके फिर अब आगे बढ़ते हैं। व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अब चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए। ये सामने आप देख रहे हैं, सामने वो गंडोला की लाइन है जो अप डाउन चल रहा है वहाँ से, और ये पूरा व्यू बहुत ही अच्छा व्यू है। Thank you.
गाइस आप देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर का नज़ारा, मतलब अभी हम मतलब ऊपर नहीं पहुँचे हैं, अभी नीचे ही हैं, अभी एंट्री करी है, अभी गोंडोला की टिकट लेनी है, यहाँ से हमने एंट्री करी है और अब हम गोंडोला के टिकट के लिए आप आगे बढ़ते हैं, देखना है कहाँ मिल रही है टिकट। तो भीड़ आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा वैसे कोई रश नहीं है जितना ज़्यादा मनसा देवी का रश था, इतना रश नहीं है। अब यहाँ से अब टिकट लेके उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ये उड़न खटोला के लिए जो रास्ता है, देखिए ये ऊपर से वहाँ से उड़न खटोला जाएगा ऊपर के लिए, और ये सामने आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार, यहीं से एंट्री है। अभी हमने जो टिकट ली है वो टिकट हमने यहाँ से ली है, ये सामने आप टिकट काउंटर देख रहे हैं, यहीं से हमने टिकट ली है। 193 रुपये पर बंदे की टिकट है। तो चलिए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ऐसा कोई रश नहीं है यहाँ पर। तब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वही है जो उड़न खटोला के लिए जा रहा है, बिल्कुल सुरंग में से होता हुआ, बहुत ही बढ़िया रास्ता। अभी हम आ गए हैं, टिकट विकेट चेक करा दी है और अब हम, ये आप देख रहे हैं दिस वे रास्ता इधर से है, तो अब हम ऐसे जाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे, वो आप सामने देख रहे हैं उड़न खटोला ऊपर की तरफ जाता हुआ, और अब हम यहाँ पर टिकट चेक कराएँगे, ये टिकट चेक करेंगे उसके बाद अब सीधा। Amazing, amazing. गाइज आप देख रहे हैं, इस समय हम ट्रॉली में बैठे हुए हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हुए, तो बहुत ही बढ़िया व्यू है, एकदम फर्स्ट क्लास व्यू है। नीचे आप देख रहे हैं झरना नीचे बैठा हुआ, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बैक साइड का व्यू, ये हमारा साथ में भाई बैठा हुआ, इसमें इस ट्रॉली में हम सिर्फ दो ही बंदे बैठे हुए हैं, बाकी की हमारी फैमिली जो है वो जो नेक्स्ट ट्रॉली आ रही है उसमें, क्योंकि एक में चार ही बंदे बैठते हैं, पांच बंदे अलाउड नहीं है, और हमें पांच बंदे, तो इसलिए मैं और ये मेरा भाई इसमें हैं और बाकी अलग ट्रॉली में आ रहे हैं। व्यू आप देख सकते हैं यहाँ का, अमेजिंग व्यू है, बेहतरीन। ये हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, जय माता दी। बेहतरीन भाई साहब, बेहतरीन, अमेजिंग अमेजिंग तो दोस्तों हम लोग चंडी देवी ऊपर मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी उड़न खटोला से यहाँ पे उतरे हैं, ये देखिए हमारे पीछे उड़न खटोला, और इतना बेहतरीन व्यू है, इतना बेहतरीन व्यू है कि बहुत ही गदर, एकदम फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं। अभी आप लोग वीडियो में उसमें देखेंगे, आपने देखा होगा, बहुत ही ज़ोरदार नज़ारा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जो व्यू है पहाड़ों का, जो व्यू है बहुत ही अच्छा, एकदम लाजवाब व्यू है। बस सामने ही मंदिर है, अभी हम जहाँ पर पहुँच रहे हैं ये आप देख सकते हैं पीछे, वो सामने छोटी दिख रही है, वही मंदिर है, वहीं पे हमें जाना है और बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और इतना अच्छा व्यू है कि वो कहते हैं कि 200 रुपये का टिकट है, 200 रुपये पूरे वसूल हो गए, इतना बढ़िया नज़ारा, इतना बढ़िया नज़ारा कि बहुत ही गजब। तो चलें भाई अब आगे चलें दर्शन करने, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जय माता दी।
चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं गंडोला से जैसे हम उतरे वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है मुश्किल से लगभग 200-300 मीटर की, और यहीं से अभी हम आए हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो स्टेयर्स हैं सामने जो जीना चढ़ रहा है, यहीं पे अंदर सीधा मंदिर के लिए दर्शन के लिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सामने आप चोटी देख रहे हैं, ये माता का मंदिर है। और ये सब यहाँ पे थोड़ी कुछ दुकानें हैं, मार्केट वार्केट, और जो यहाँ का व्यू है बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे का व्यू यहाँ से, जो ख़तरनाक अमेजिंग व्यू है, ये आप देख सकते हैं, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन वाला। तो बस गाइस अब दर्शन करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दर्शन किया जाए, अंदर देखता हूँ कितनी चीज़ें कैप्चर हो पाती हैं। तो अब बस आगे बढ़ा जाए। जय माता दी। गाइज आप देख रहे हैं इस समय हम मंदिर के अंदर हैं, सामने वो हनुमान जी का मंदिर है, इधर ये अंजनी देवी माँ का मंदिर है, और अभी हम इधर से ही हमने अभी एंट्री करी थी और पीछे से दर्शन करते हुए यहाँ से अभी हम एग्ज़िट अभी हमने किया, और अब हम यहीं से वापस बाहर की तरफ अब निकलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये इधर थोड़ा बाहर का व्यू है। इधर ये आगे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं ये पीछे मंदिर है अभी जहाँ से हम दर्शन करके आए हैं, वो सामने अंजनी देवी माँ का मंदिर है, वहीं से अभी हम दर्शन करके आए हैं, और अब यहीं से हम बाहर अब एग्ज़िट हो जाएंगे। तो चलिए अब बाहर की तरफ चला जाए। जय माता दी। तो गाइज अब हम नीचे उतरते हुए अभी दर्शन किए हैं हमने, ये आप देख सकते हैं यहीं से अभी हम आए हैं, और व्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया व्यू है एकदम। और अब हम नीचे उतरते हुए तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे चंडी देवी पर यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक अंजनी माता का मंदिर है और एक चंडी माता का मंदिर है। वो सामने आप चोटी देख रहे हैं वो चंडी माता का मंदिर है। जिस मंदिर में अभी हम आए हैं ये अंजनी माता का मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब हम चल रहे हैं चंडी माता मंदिर की तरफ। हम भी पहली बार आए हैं, हमें आइडिया नहीं था, हमने सोचा ये इधर मंदिर है चंडी देवी का, तो इसलिए हम पहले यहाँ आए। यहाँ आके पता चला चंडी देवी का मंदिर दूसरी तरफ है, अब हम चल रहे हैं उधर दूसरी तरफ, तो अब वहाँ पर चल के अब दर्शन करते हैं। चलिए तो भाई जी आप देख रहे हैं ये उड़न खटोला, यहाँ पे हम उतरे थे, उसके बाद वहाँ से हम सीधे आगे उधर चले गए थे, वहाँ पे मंदिर वो अंजनी माता का मंदिर है, अंजनी माता और हनुमान जी का मंदिर। और अब हम यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी के ठीक बराबर से जो स्टेयर्स जो जीना जा रहा है ये ऊपर चंडी माता मंदिर के लिए जा रहा है। तो अब हम यहाँ से चंडी माता मंदिर के लिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। और ये जो यहाँ का साइड का जो व्यू है बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही अमेजिंग सुपर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए और दर्शन करते हैं। जय माता दी।
गाइस फाइनली हम चंडी देवी माता चंडी देवी दर्शन के लिए अब पहुंच चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा अब आगे मंदिर में एंटर कर रहे हैं हम और अब सीधा आप दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप देख रहे हो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बस हम ही लोग चल रहे हैं, एक भी आदमी नहीं है हमारे अलावा। और ये ऊपर अब चलते हैं दर्शन करते हैं। जय माता दी। ज़्यादातर भीड़ उधर ही मिलती है मनसा देवी, नीलकंठ में तो बहुत भीड़ मिलती है, इधर उतना नहीं है। और यहाँ का जो व्यू है वाह सुपर, वो ट्रॉली जा रही है बहुत बढ़िया। चलो दर्शन करते हैं। ये दोस्तों हम दर्शन करके बाहर निकलते हुए, दर्शन हमारे हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत प्रसन्न दर्शन हुए। और अब हमें जाना है इधर, अब हम बाहर आ चुके हैं, अब गंडोला में बैठेंगे पुरन खटोला में, उसके बाद सीधा नीचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं चंडी माता, और इधर जो अंजनी माता का मंदिर था वहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और हम अब नीचे उतरते हुए ये इधर उड़न कटोला की एंट्री, और अब बस एंट्री करके अब नीचे उतरते हैं। चलिए दोस्तों अब नीचे की तरफ बढ़ा जाए। जय माता दी। सो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं चंडी माता, के दर्शन जो है हो चुके हैं, और अब हम ट्रॉली में बैठे हैं इस समय और नीचे उतर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया नज़ारा है, व्यू तो सच में वाकई में लाजवाब व्यू है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो व्यू इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा व्यू है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ हवा में मनसा देवी की उससे ज़्यादा यहाँ पे हाइट है, काफ़ी ऊँचे पे है ये चंडी माता का मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट पे है मंदिर, और इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत है, इसकी उड़न कटोला की काफ़ी लंबाई है इसकी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, तो वीडियो में ज़रूर बने रहे दोस्तों और ले व्यू का।
गाइस, तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और हम नीचे आ चुके हैं। इस समय अभी पार्किंग में हूँ और हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। टाइम 5 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। हमारी ट्रिप पूरी हो चुकी है। हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, मनसा देवी, चंडी देवी सब जगह हम घूम चुके हैं। लक्ष्मण झूला, राम झूला, सब जगह सब कंप्लीट हो चुका है। और अब टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब रोड का आनंद लेते हुए और अब चलते हैं घर की तरफ, बढ़ते हैं अपनी मंजिल पे। तो चलिए दोस्तों। आप देख सकते हैं जो इस समय शाम का जो नज़ारा है रोड का, 6:15 का टाइम हो रहा है और सूरज इतना बढ़िया लग रहा है और रोड भी एकदम साफ क्लीन एंड आप बढ़िया, ना जाम ना कुछ, फर्स्ट क्लास रोड है। मज़ा ही कुछ हो रहा है वैसे। अब तो बहुत अच्छा हो गया ये रोड, बहुत अच्छा हो गया है, पहले तो बिल्कुल ख़राब था। बहुत बढ़िया रोड है, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, सीधा टापम टाप, बढ़िया फर्स्ट क्लास। बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए चल रहे हैं अपना घर की ओर। कितना अच्छा लग रहा है ना सूरज, एकदम बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। और उससे बढ़िया उसके साथ साथ ये घटाएं जो आ रही हैं कुछ, बहुत अच्छा, अमेजिंग। गाइज आप देख रहे हैं टोल पे बहुत रश है। अब हम मेरठ पहुंचने वाले हैं। मेरठ से पहले जो अब ये जो टोल है वही टोल है। अब बस इस टोल को क्रॉस करते ही सीधा अब हम मेरठ में एंट्री कर देंगे और उसके बाद अपनी मंजिल पे बस पहुंचने ही वाले हैं। पूरा वहां से वहां तक बढ़िया लगा हुआ है एकदम। 3 टोल पड़ते हैं रास्ते में, 3 पे फास्टैग हैं। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टोल पे कैश दो, कार्ड पेमेंट दो, ये दो, बस फास्टैग में अपना रिचार्ज रखना है और अपना निकल जाना है, सबसे बेस्ट। चलो चलो चलो, ये हमारा फास्टैग हो गया क्लियर, लेट्स गो। We'll be right back.
फाइनली हम लास्ट अभी घर पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी घर पहुंचे हैं। टाइम 11:30 हो रहा है। ये रही हमारी धन्नो जो हमें सारे में घुमा के लाई है, नीलकंठ हरिद्वार ऋषिकेश और चंडी देवी मनसा देवी सब जगह ये हमें दर्शन करा के लाई है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, यात्रा बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही में कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा किसको कैसी ट्रिप लगी, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाएगा, आप लोग देख पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हमारी ट्रिप हुई ओवर और इस व्लॉग को हम करते हैं ख़त्म। और अब जब मैं नेक्स्ट कोई ट्रिप बनाऊँगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई ट्रिप बनेगी, तो मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और हाँ, बीच बीच में जैसे मैं कुकिंग का जैसे कुछ खाने वाने की वीडियो डालता हूँ, तो अगर मुझे बीच में टाइम लगेगा तो मैं वो वीडियो भी डालूँगा कुछ, तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।